हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज बनाने वाली हूँ पंजाबी छोले। इसके लिए मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने 4 स्पून ऑयल ऐड करके इसको हीट करने के लिए रख दिया है। तब तक हम इसकी रेसिपी देखेंगे। मैंने 250 ग्राम छोले रात में सोक करके रख दिए थे, जिसको मैंने फिर अच्छे से वॉश करके मॉर्निंग में बॉयल किया और उसमें चाय की पत्ती इस स्ट्रेनर में मैंने ऐड करके डाला, जिससे इनका कलर ऐसा ब्राउन आया है। और इसका पानी जो निकलता है वो फेंकना नहीं है, वो मैंने साइड में रखा हुआ है। हम यही पानी ऐड करेंगे छोले में। अभी हमने क्या क्या लिया है, ये है कोरिएंडर पाउडर, चिली पाउडर, ये मैंने छोले क्रश्ड छोले लिए हैं, ये टैमरिंड, ये सिनेमन, ये सॉल्ट, ओनियन पेस्ट, टोमेटो पेस्ट, अब हम सबसे हीट हो गया होगा। अभी हम ये तेज पत्ता और ये सारे जो ड्राई मसाले हैं वो इसमें ऐड करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, ये सिनेमन एंड तेज पत्ता, ये फ्लावर, ये सब हम इसमें पहले स्टायर करेंगे 1 मिनट। आफ्टर स्टायरिंग इट मैं इसमें जीरा ऐड करूँगी, इसको थोड़ा देर स्टायर करते हैं। 1 मिनट स्टायरिंग के बाद ये थोड़ा सा रेड होने लगे, फिर मैं इसमें ओनियन पेस्ट डालूँगी, को मिक्स करते हैं, थोड़ा देर स्टायर करेंगे। अच्छे से इसको ऑयल में, स्टायर होने के बाद मैं इसमें चिली पाउडर ऐड करूँगी। चिली पाउडर इसमें ऐड करते हैं तो हमारा एंड ऑफ द डे ये अच्छा कलर आता है सब्जी में। मैंने चिली पाउडर ऐड कर लिया है। अभी मैं इसमें कोरिएंडर पाउडर डालूंगी, 2 स्पून लिया है मैंने। टर्मरिक 1/2 टीस्पून, सॉल्ट ऐड टू टेस्ट, मिक्स करते हैं, थोड़ा स्टायर करेंगे इसको। अभी इसमें मैं टोमेटो प्यूरी डाल दूंगी, इसको भी मिक्स करते हैं अच्छे से। अभी इसको 5 मिनट के लिए हीट करते हैं। आफ्टर 5 मिनट ये थोड़ा कुक हो गया है मसाले हमारे। हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। अभी हम सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से स्टायर करेंगे, फिर हम इसमें क्रस्ट छोला जो हमने किया था, इससे हमारी ग्रेवी गाढ़ी बनती है, इसीलिए मैंने ये क्रच छोला रखा है, ये डालेंगे। फिर ये जो पानी हमने इसको बचा के रखा था, ये पानी से कलर बहुत अच्छा आता है ग्रेवी का, वो मिक्स करेंगे। ज़रूरत लगी तो हम एक्स्ट्रा वाटर भी ऐड कर सकते हैं, मैंने किया भी है, 1 कप मैंने एक्स्ट्रा वाटर इसमें ऐड किया है। इसको ढककर रख देंगे। फाइव टू सेवन मिनट बाद ये कुछ ऐसा पका हुआ ग्रेवी इसका मसाले के साथ ये अच्छा कलर दिखता है। ये हमारा पक चुका है, अच्छी खुशबू भी आ रही है और अच्छा कलर भी दिख रहा है। अब हम इसमें ये छोले, बॉयल्ड छोले ऐड करेंगे।
ये जो ब्लैक कलर छोले दिख रहे हैं ये हमारा चाय की पत्ती से कलर आया है, ये बहुत अच्छे दिखते हैं इसलिए मैंने ये चाय की पत्ती ऐड की हुई है। ये ऑप्शनल है, मुझे पसंद है ऐसे छोले इसलिए मैंने किया है, दिस इज़ नॉट कंपल्सरी। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अभी हम इसमें जो बचा हुआ वाटर है वो सारा डाल देंगे और फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। और आपको जैसी ग्रेवी थोड़ा गाढ़ी चाहिए है तो आप इतना ही पानी रहने दीजिए, अदरवाइज़ आप इसमें और भी पानी मिक्स कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा और मिक्स करूँगी, 1 कप ऑफ वाटर मैं इसमें और भी ऐड करूँगी। अभी हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। इसको ढककर रख देंगे। ये देखिए आफ्टर 10 मिनट्स फिर मैं इसमें टैमरिंड, ये जो मैंने टैमरिंड का रस रखा हुआ था उससे ये जो खट्टा फ्लेवर आता है थोड़ा थोड़ा वो बहुत ही टेस्टी लगता है हमारे छोलों में। मैंने इसमें थोड़ा पानी और ऐड किया था बाद में, 1 कप अराउंड। ये देखिए हमारे छोले रेडी हैं, इट्स रेडी टू सर्व। आप चाहें तो गाढ़ी ग्रेवी रख सकते हैं, मेरे घर में सबको थोड़ा सा पतली ग्रेवी पसंद है इसलिए मैंने थोड़ा वाटर ऐड किया था इसके अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा थोड़ा सा। अभी मैं इसमें गार्निश करूँगी धनिया से। छोले रेडी हैं और हम इसको सर्व करेंगे व्हीट गार्लिंग नान के साथ जो हमारी अपकमिंग रेसिपी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।